दोस्तों बिग बॉस ओटीटी लाइव में दूसरा श्रेड वाला टास्क जो चल रहा है उसके लिए समिता सेट्टी को बुलाया गया और उनको दिखाया गया जर्नी वीडियो, जहां पे दो मेमोरी दिखाया गया, एक दिव्या के साथ भी उनकी लड़ाई और उनके बिट्रेयल को दिखाया गया और साथ में बाद में उनके वीकेंड दर वीकेंड जो उनकी उन दोनों के बीच की जो दूरियाँ थी वो बढ़ती हुई दिखाई दी, उस पूरे मेमोरी को दिखाया गया। और साथ ही साथ मेमोरी को दिखाने के बाद आपको बता दूं यहां पे दूसरा मेमोरी दिखाया गया राकेश के साथ हुई सारी जो उनकी जर्नी थी, जिसमें उनके जो गंदे वाले फाइट हुए थे, जहाँ पे आपको याद होगा कि माइक वाइक खोल करके बाथरूम में जाकर के काफ़ी देर तक रोई थी शमिता, और जिसको कि नेहा ने बाद में कंसोल किया था, आपको याद होगा वो वाला मोमेंट जो राकेश के साथ फाइट हुआ था। इन दोनों जर्नी को दिखाया गया शमिता को, और आपको बता दूं इन दोनों जर्नी को देखने के बाद शमिता थोड़ी सी इमोशनल और थोड़ी सी परेशान दिखी, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बोली और उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें बोली गई जो कि टीवी पर दिखाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही थी। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे राकेश बापड़ के साथ हुई लड़ाई को शमिता ने स्ट्रेट कर दिया है और कहा है कि हम इन गंदे यादों को यहीं पर छोड़ देना चाहेंगे और कुछ नए यादें घर के बाहर बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि ये चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे कुछ घरवाले काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड लगे और कुछ घरवाले काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए नजर आए, जिसके बाद जिसमें अव्वल नंबर पे नाम आता है प्रतीक सेजपाल का। प्रतीक सेजपाल ये होने के बाद काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए नजर आए, साथ ही साथ उनका साथ देते हुए निशांत नजर आए। दोस्तों बस दो दिन बचा हुआ है, आप किसके लिए वोट कर रहे हो विनर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, बॉलीवुड को देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।